लोग कह रहे हैं कि भैया हम तो सुरेंद्र यादव को हराने के लिए एनडीए को वोट देंगे, तो दीजिए वोट, लेकिन फिर कल भोगिएगा तो दूसरे को दोष मत दीजिएगा। ये मैदान और ये समय याद रखिएगा, प्रशांत किशोर ने आकर चेताया था। अब फिर नहीं चेतिएगा तो आप और आपके आने वाली पीढ़ी आप भोगेगी, ये बात बताने आए हैं। वोट जिसको देना है उसको दीजिए, लेकिन जैसा वोट दीजिएगा वही आपके सामने आएगा। वोट जिस चीज के लिए दीजिएगा वो वही चीज आपको मिलेगा, चाहे वोट किसी को दीजिए। गलत वोट अगर आप देंगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा, ये बात बताने के लिए आए हैं। ठीक लगता है तो आपके सामने विकल्प है, न ठीक लगता है तो नीतीश का एक बार हाथ पकड़ लीजिए, नीतीश को जिता दीजिए और उसके बाद अपना कर्म कष्ट रोते रहिएगा, ये भैया बर्बाद कर दिया आपने उसको, उस आदमी को 2020 में बेइज्जत किया है, भूलिएगा नहीं। जिन लोगों ने भी नीतीश को 117 से उतार कर 40-42 किया है, नीतीश बाबू उसको भूले नहीं है। जाते जाते आपका पूरा उपाय करके जाना चाहता है ये आदमी। अब आपके हाथ में है, किसी को वोट दीजिए लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत दीजिए, यही आपके समाज का आपको ये सलाह देने आए हैं। सुरेंद्र से आप निपट सकते हैं, वो आपको डरा नहीं सकेगा, लेकिन नीतीश कुमार बहुत चलाकी से बुद्धि से आपका सब कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए ध्यान रखिए और सोच समझ कर वोट कीजिए। धन सुराज अच्छा नहीं लगता है, किसी निर्दलीय को वोट कीजिए, वो भी अच्छा नहीं लगता है, नोटा को वोट कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार को वोट मत कीजिए। 18-19 साल से जिस व्यक्ति ने पूरे बिहार को बर्बाद किया है, अब पिछला 3-4 साल से तो उस आदमी का एक के लक्ष्य है किसी तरह कुर्सी पर चिपके रहे।